Hello, student. I am your geography teacher, Vivek, from California Public School. Student, this is your last topic to discuss in this video the distribution of earthquakes. This is your 8th chapter, earthquakes. Okay, and topic distribution of earthquakes you mean the whole world. In which area where earthquakes are occurs? Okay, we discuss in this video. Clear? So you know to all. But is the definition of earthquake. Earthquakes means vibration and tremor in the crust of the earth are called earthquakes. We already discussed in the last video this definition. So we now start today topic distribution of earthquakes.

कि जो इंटेंसिटी है स्पीड जो है बहुत ज्यादा है और कुछ प्लेसेस हैं जहां पर वेरी लेस है ओके मीन्स इक्वली नहीं है जो इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स है वो ऑल द प्लेसेस पे इक्वल नहीं है ओके सम रीजन लाइक जापान चाइल्ड पेरू फिलीपींस एंड कैलिफोर्निया एक्सपीरियंस सेवरल अर्थक्वेक्स एवरी ईयर और एज अगेंस्ट मोस्ट अदर रीजन एक्सपीरियंसिंग

इक्वली नहीं है, ओके, okay? और ऐसा कोई एरिया नहीं जहां पर अर्थक्स ना आते okay? हैं, जो है, होते हैं लेकिन जो इफेक्ट है वो फ्यू ही हैं, बाकी माइनर स्पेशल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर पैटर्न है एक आपको सिंपल वे बताऊंगा एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स होल वर्ल्ड को फोर पार्टमेंट बर्ड की गए फर्स्ट हमारे पास है टू प्लेट टू प्लेट टू ह्यूज लैंड ओके सो सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है वहां पर एक दूसरे के क्लोज होना आपको मैंने ऑलरेडी बोले कि अर्थक्वेक्स और टू प्लेट्स का बॉर्डर होगा ओके okay? सो so, या तो यहाँ प्लेट क्लोज आएंगे या डायवर्जेंट होगी बेल्ट आपका पैसिफिक ओशन के साथ लगती है ओके एंड कन्वर्जेंट प्लेट यहाँ पर जो अर्थ कोट हो रहा है उसके पीछे कॉज क्या है कन्वर्जेंट प्लेट की बाउंड्रीज टू प्लेट्स है वो दूसरे के क्लोज आती है ओके okay? एंड मिड एटलांटिक बेल्ट मीन यहाँ पर जो मेन कॉज है वो अर्थक्स का वो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यहाँ प्लेट जो है हमारी एंड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मिडल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको समझने वाली बात है इसमें ठीक है इंटरप्लेट से ऑलवेज बोला जाता है की आपकी जो अर्थक्वेक्स और बॉल्केनिक आर ऑरिजिनेट बॉर्डर ऑफ टू प्लेट्स

फर्स्ट सर्कम लाइन दिख रही है ये दिस बैट ये आपकी है सर्कम पैसेफिक बैट अगर इसको कंबाइन किया जाए तो उसकी जो शेप बनेगी वो लाइक दिस बनेगी डिस्कसो हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में और उसकी जो शेप होती है वो लाइक हॉर्स शू की तरह बनती है इसकी जो शेप है वो हॉर्स शू शेप है ओके और उसका जो एरिया है वो फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर एरिया है ओके उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बहुत तो के हैं इरप्शन होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स हमारी ये कन्वर्जेंट होती है ओके तो हमने डिस्कस किया द पैसिफिक बेल्ट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओके दिस पोर्शन

और ये मिडल का पार्ट है यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं ओके और यहाँ जो मेन कॉज है अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होने का वो क्या है डाइवर्जेंट ऑफ ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ओके यहाँ की जो प्लेट बाउंड्री प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर जा रही है इस क्लोज हो रही है इस को दूर जा रही है ओके सो so, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मीन्स मिड एटलांटिक अटलांटिक एटलांटिक्स और उसके मिडल में आपकी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो रही है

The Pacific Ring of Fire is an area where large number of earthquakes and volcanic eruption occur in the basin of the Pacific Oceans. This is your Pacific Oceans. This is your Pacific Ring of Fire. Okay, or it is an area where large number of earthquakes and volcanic eruption occur, and in a forty

फर्स्ट में डिस्कस किया कंटिन्यू सीरीज ऑफ ओशन ट्रेंचेस सो बहुत सारी डीपेस्ट पॉइंट यहाँ पर ठीक है ट्रेंचेस है यहाँ पर एंड वॉल्केनिक इप्शन हो रहे आफ्टर दैट प्लेट मूवमेंट हो रही है मीन्स कन्वर्जेंट हो रही है प्लेट्स ओके डू डू दैट यहाँ पर अर्थवेक्स और वॉल्केनिक इप्शन ऑरिजिनेट हो रहे हैं और उसमें जो एरिया हमारे पास आता है If we talk about area, so Andes Mountain, In the South America, Rockies Mountain, North America, Japan, niche downside, Indonesia, Philippines, Japan. This all the area lie in the Circum-Pacific Belt. Okay, or in this area, near about four fifty-two volcano, active volcanoes there, and it is the home of near about seventy-five percent of world active and dormant volcanoes. Okay. और टाइम कॉल्ड द सर्कम पैसेफिक बेल्ट और भी कैसे कि नीरअबाउट सेवेंटी परसेंट वर्ल्ड अर्थ क्वेक्स अकर अलॉन्ग दिस रिंग ऑफ फायर नियर अबाउट सेवेंटी परसेंट जो अर्थ क्वेक्सिट हो रहे हैं अलॉन्ग दिस पैसिफिक रिंग ऑफ बेल्ट के अलॉन्ग ओके सो द रिंग ऑफ फायर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट मीन इसका कॉज क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बनने का वो क्या है रिंग ऑफ फायर इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंटिजनिजन मीनू कर रही है okay? and conditions the occurring द earthquakes. अब ऐसी कौन सी कंडीशन है अर्थक्वेक्स तो ऑरिजिनेट हो रहे हैं इस पूरे एरिया में ओके सो फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल एंड ओशन मार्जिन कॉन्टिनेंट कौन, और ओशन मीट कर रहे हैं ओके सो जू डू देट यहाँ पर क्रेंचीज है मूवमेंट हो रही है और उसकी और हो रहे हैं ओके तो फर्स्ट पॉइंट क्या है जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन मार्जिन मीन्स ओशन और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनें मीनस हार्ड मार्स ऑफ लैंड और ओशन मीन वॉटर बॉडीज ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं ओके सो डू डू देट यहाँ पर अर्थक्विक्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं ओके तो, बैलेंस okay? है

फोर्थ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट किया जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशन मार्जिन यहां पर ओशियन और कॉन्टिनें ऑप्शन में मीट करें जोन ऑफ यंग फोर्ड माउटेन्स यहाँ पे बहुत सारे यंग फोर्ड माउंटेन है एंड एक्टिव बॉल्केशन जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव कन्वर्ज एंड प्लेट बाउंड्रीज सबन मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एज ऑफ द प्लेट प्लेट के एज की तरफ में जो मूवमेंट हो रही है

उट लेस दे किलोमीटर होते वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है अफ्रीका में दिस पार्ट ऑल्सो इंक्लूड इन द मिड कॉन्टिनेंटल वेल्ट ओके सो रिफ्ट वैली ऑफ ईस्ट अफ्रीका नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट अफ्रीका एंड रेड सी दिस आर कंसिडर एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बेल्ट ओके सो हमने डिस्कस किया मिड एटलांटिक बेल्ट तो मिड एटलांटिक बेल्ट में क्या है ऑनली मिडल ऑफ द ओशन सो मेनी रिजीज और आईलैंड आर देयर एंड आफ्टर दैट द मेन कॉज हियर सी स्प्रेडिंग सॉरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स एंड दीज अर्थक्वेक्स आर माइल्ड इंटेंसिटी मीन्स विद शैलो फोकस लेस देन Kilometer, okay, and Rift Valley or East Africa and Red Sea is also part of this belt, okay. So see here, this belt of earthquakes extend along the mid-ocean ridges and several islands near the ridges of Atlantic oceans. Seafloor spreading is the main cause of earthquakes in this belt. And after we discuss earthquakes.

अफगानिस्तान हिमालयस एंड एंड ऑफ द हिमालयस दिस बीच इन द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड आफ्टर दैट इट मीट विदर्कम पैसिफिक बैट नियर द इंडोनेशिया नियर द इंडोनेशिया और फिलिपींस ओके और नियर अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट अर्थक्सर अकर इन दिडल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड Okay, only this much. The mid-continental belt means ki this belt extend along the Alpine mountain towards the east side. And after the Alpine mountain, it crossed the Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan, and after reaching the Himalaya region. And after the Himalaya, end of the Himalayas, this belt turned towards the south and reaching the Andaman Nicobar Island. After that, this belt merged with the Pacific oceans near the. फिलिपींस वर्ल्टिटी सो ऑल दो मोस्ट ऑफ दिटी अकर्स अलॉन्ग द्लेट बाउंड्रीज आपको ऑलरेडी तो बता दिया कि जितने भी अर्थक्स टू प्लेट और इन टू प्लेट की जो बॉर्डर है यही पर अर्थक्स

या से क्रॉसिंग द हैवी व्हीकल्स लैंड स्लाइडिंग ठीक है तो बहुत सारे कॉज होते हैं इसके पीछे क्लियर तो दिस ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स ओके सो वी डिस्कस हियर फर्स्ट इज सर्कम पैसिफिक बेल्ट मिड अटलांटिक बेल्ट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और इंटरप्रेट सिस्मोसिटी ओके अगेन वी सी दिस मैप सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कम पैसिफिक ओके और इसकी जो एरिया है टोटल इसकी शेप लाइक दिस है हॉर्स शू की टाइप शेप है एंड फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर एरिया से अबाउट और अकर होते हैं दिस बेल्ट और उसके पीछे जो कॉज क्या है जो मेन आइडियल कंडीशन है वो यही है कि कॉन्टिनेंटल और ओशियंस जो है वो मार्जिन एरिया है यंग फूड माउंटेन्स है एंड एक्टिव बॉलोस है और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है क्लियर एंड आफ्टर वी डिस्कस

फोर्स आ जाती है इट मे बी बाई दर्थक्स मास मूवमेंट एबो द वॉटर वाटर के नीचे या लैंड की स्लाइडिंग की वजह से भी क्रिएट हो जाती है, है और

So, meaning होता है हार्बर हार्बर इज पोर्ट ओके हार्बर ओके एंड नामी मीन बेवस तो आपकी सी में जो बेवस चलती है उसको होते हैं सुनामीज ओके okay? और समटाइम ये जो सुनामीज होती है अननोटिसेबल होती है इन द सी

श्योर शोर से दूर है okay? so, पर इनकी जो लेंथ होती है लॉन्ग मीन इनकी जो हाइट होती है वो स्मॉलर होती है हाइट कम होगी कहां पर अवे फ्रॉम द श्योर शोर से दूर ऑफ श्योर ठीक है इन दार्ट में क्योंकि इसकी जो हाइट होगी एम्पलीट्यूड होगा वो लेस होगा लेकिन लेंथ इसकी लॉन्ग होगी तो ड्यू टू दैट हम इसको नोटिस नहीं कर पाते इन द सी या ओशियस दो अवे फ्रॉम द कोस्ट एरिया क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है ठीक है क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये लाइक आई थिंक सो टू मार्क्स का क्वेश्चन पुट होता है ठीक है कि वाई सुनामी पास इज अनोटिस्ड एट सी

Uh, which is why they generally pass unnoticed at the sea or oceans okay so this is a topic to discuss here distribution of earthquakes and tsunamis okay thank you